शुक्रवार को केंद्र सरकार ने फाइनेंस बिल पेश किया और इसे लोकसभा में पास कर दिया गया। इसमें म्यूचुअल फंड नियमों में एक अमेंडमेंट को भी पास किया गया है। म्यूचुअल फंड नियमों में इस संशोधन के बाद अब डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इस पर बैंक डिपॉजिट जितना ही टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड पर नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अब ये जानना जरूरी है कि इस बदलाव का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा, यहां हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। मौजूदा वक्त में 3 साल से ज्यादा वक्त के डेट फंड इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इस पर गेन पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20% की दर से टैक्स लगता है। बिना इंडेक्सेशन के ये टैक्स 10% है। 3 साल से कम वक्त के निवेश पर आपको शॉर्ट टर्म गेन्स टैक्स देना पड़ता है। इसमें इन्वेस्टर को अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। इंडेक्सेशन से इन्वेस्टर को बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है, खासतौर पर ऊंचे इन्फ्लेशन के वक्त इसका बड़ा फायदा होता है। अब यहां यह भी समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है। इंडेक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन्वेस्टर डेट फंड में होने वाले गेन्स को इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर सकते हैं और इससे इनके टैक्स में कमी आती है। इससे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी CII के जरिए निकाला जाता है। CII के जरिए किसी एसेट के परचेज प्राइस को बिक्री के साल में इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाता है। फिलहाल भारत ऊंची महंगाई से गुजर रहा है और ऐसे में इंडेक्सेशन और ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। अब नए प्रस्ताव से क्या होगा? इस अमेंडमेंट के मुताबिक ऐसे डेट फंड्स जो कि इक्विटीज में 35% या उससे कम पैसा लगाते हैं, उन पर इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा और इससे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर माना जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा भारत में बैंक डिपॉजिट्स पर टैक्स लगता है। साथ ही 1 अप्रैल से डेट फंड्स में लगाए गए पैसों पर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। इन्वेस्टर्स डेट फंड्स मोटे तौर पर इस वजह से चुनते हैं क्योंकि इससे उन्हें फिक्स डिपॉजिट्स के मुकाबले टैक्स का फायदा मिलता है। नए बदलाव गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी और इक्विटी फंड ऑफ फंड्स यानी FOF पर भी लागू होंगे। ये बदलाव डेट मार्केट के लिए एक बड़ा झटका है। ये बाजार अभी भी शुरुआती स्टेज पर है और इसके मुकाबले अब इक्विटी बाजार को ज्यादा जोर मिलेगा। हाँ, 31 मार्च से पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।